This is Channel. आज सुप्रीम कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन में जजमेंट देती है और उस जजमेंट से मैं तीन लाइन पढ़ना चाहता हूं। जो राफेल हवाई जहाज के प्राइसिंग डिटेल्स हैं, कीमत के डिटेल्स हैं, उनको कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में लिखा गया है और वो जो रिपोर्ट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पार्लियामेंट की कमेटी है, उसके साथ शेयर किया गया है। अब मेरे सामने खारगे जी बैठे हैं और खारगे जी पीएसी कमेटी के चेयरमैन हैं पार्लियामेंट में, और आप लोग खारगे जी से सीधा पूछ लीजिए क्या सीएजी रिपोर्ट पीएसी कमेटी में आई, नहीं आई, पार्लियामेंट में रखी गई, और इन्होंने जो पीएसी के चेयरमैन है इन्होंने सीएजी रिपोर्ट अपनी जिंदगी में देखी है, हाँ या ना, पूछ लीजिए। एक तो सीएजी के पास भी उनका कोई कमेंट्स नहीं है इसके बारे में, ना सीएजी को पता है। आज मैंने डिप्टी सीएजी को बुलाकर पूछा, जब सीएजी के पास नहीं है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने का सवाल नहीं, जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आएगा तो हम वो रिपोर्ट छिपा के नहीं रख सकते, पार्लियामेंट में पेश करते हैं। पार्लियामेंट में भी मैंने पेश नहीं किया, जब पार्लियामेंट में आएगा तभी पब्लिक डोमेन में आएगा, पब्लिक डोमेन में भी नहीं है, तो यह आया रिपोर्ट कहां से? जब तक पार्लियामेंट को रिपोर्ट को पेश नहीं किया जाएगा तब तक किसी को भी उसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। अब सरकार को हमें यह समझाना है कि ये जो सीएजी रिपोर्ट ये है कहां है, हमें भी दिखा दें, और पीएससी के जो चेयरमैन है खारगे जी उनको भी दिखा दें। यहां पे 30,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, और किसानों याद रखिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आपका कर्जा माफ होने जा रहा है। ये जो पैसा लिया है इन चोरों ने, ये आपका लिया है और किसी का नहीं लिया है। पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है, और हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई है। जिस दिन राफेल मामले पर इंक्वायरी हो गई, और वो इंक्वायरी पार्लियामेंट करेगी, जेपीसी करेगी, जिस दिन वो हो गया दो नाम निकलेंगे, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी।